हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरे पास है टाटा टियागो, आप लोग देख सकते हैं पीछे, ये रहा टाटा टियागो। और मैं आप लोगों को आज कार की माइलेज कैसे बढ़ा सकते हैं ड्राइविंग स्टाइल के बारे में बताने वाला हूँ। और मेरा जो कार है वो पेट्रोल वर्जन है। और सबसे पहले आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैं माइलेज कितना दिया था रनिंग के बाद, तो वो देखिए पहले, उसके बाद वीडियो शुरू करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि मेरे कार में जो माइलेज आ रहा था 24, उससे पहले 25 भी आ रहा था, लेकिन जो स्पीड कम हो गया वीडियो बनाने के लिए उस तो क्या हो गया, 24 हो गया है। और मेरा कार जो है वो पेट्रोल वर्सन है, तो कैसे ये मुमकिन हुआ? तो पहले, सबसे पहले बाहर से दिखाता हूँ क्या करना चाहिए माइलेज ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो बाहर मतलब टायर प्रेशर, आप लोग चेक कीजिए टायर जो प्रेशर है वो ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि मेरा कार जो है वो भी 15-16 ही दे रहा था, लेकिन जो प्रेशर है वो कम था। तब मैंने ये देखा, ये स्टिकर आप लोगों के कार में भी होगा, तो इसमें सब कुछ लिखा है। उसके बाद मैंने प्रेशर जो है बढ़ा दिया तो माइलेज इंक्रीज हो गया। तो पहले प्रेशर को चेक कीजिए। तो अंदर चलते हैं, अंदर क्या है, तो अंदर अब जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि आप ज़्यादा एक्सेलरेट मत कीजिए, और जो है वो गियर चेंजिंग कम से कम कीजिए। अगर आप एक नंबर पे हैं तो दो नंबर लाने के लिए 2000 RPM क्रॉस नहीं करना चाहिए, उससे ही आप गियर वो जो है वो चेंज कर लीजिए दो नंबर पर, और फिर से एक्सेलरेट कीजिए। और 2000 RPM पहुँचने से पहले ही आप लोग गियर सेंस करते रहिए, और जो एक्सेलरेट है वो धीरे धीरे करिए, ज़्यादा मत कीजिए। और ये देखिए मेरा जो माइलेज है वो 20 आ रहा है अभी, क्योंकि जो आज वो बहुत ही ख़राब रास्ता था, तो ये हुआ है। और ये था गियर सेंजिंग। और आप लोग स्पीड जो है वो आपकी जो स्पीड है वो 70 के 80 के आसपास होना चाहिए, तो इस तरह से होना चाहिए कि आप 80 क्रॉस करने ही वाले हैं तो एक्सीलेट को धीमा कर दीजिए, और जब स्पीड 70 हो जाएगा तो फिर एक्सीलेट कीजिए तो 80 आ जाएगा। तो इस तरह से 60 to 70 ऐसे ही करिए। और गियर सेंस ज़्यादा से ज़्यादा कम ही यूज़ कीजिए, वो गियर सेंस कम से कम यूज़ कीजिए, सॉरी ज़्यादा नहीं, कम से कम, और एक्सेलरेट भी कम कीजिए, तो माइलेज ज़रूर यू ज़्यादा आएगा। और जो एसी है इसको भी आप क्या होता है, ये एसी जो हवा है वो बाहर से आ रहा है कि अंदर से, ये है, और ये है एसी का बटन। तो अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो ऑन नहीं होगा, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको ऑन कीजिए, ये हवा जो है। सबसे पहले आप गाड़ी जब स्टार्ट करेंगे इसको ऑफ रखिए, और स्टार्ट करने के बाद आप हवा को ऑन कीजिए, जो है वो अंदर से बाहर से हवा लाएगा। तो उसके बाद एसी भी ऑन कीजिए और ये भी ऑन कीजिए, तो गाड़ी जो है ठंडा होने लगेगा। तो जब ज़्यादा ठंड होने लगेगा तब ये इस बटन को आप ऑफ कीजिए, तो एसी ऑफ हो जाएगा, तो गाड़ी जो है वो चलती ही रहेगा और माइलेज ज़्यादा आएगा। और जब गर्मी बढ़ जाएगा तो ये फिर से ऑन कीजिए ऑन करने के बाद, लेकिन ये ऑन ही रखिए, क्योंकि ये जो हवा है ना वो अंदर की हवा को चलाते रहेगा एक दो घंटे के अंदर अंदर, या फिर ज़्यादा गर्मी है तो, या ज़्यादा लोग है तो ये ऑन कीजिए और ऑफ कीजिए, तो हवा अंदर से भी कुछ देर लेगा और बाहर से भी 1-2 मिनट के लिए ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से एसी को भी चलाइए तो
माइलेज ज़्यादा दे सकता है। तो यही था माइलेज बढ़ाने की टिप्स। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाड़ी चलाने के वक्त सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए।